ये जो मोबाइल है, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एस जी में। सो फ्रेंड्स, बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोज़ पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक नोकिया 105 रिप्लेसमेंट वारंटी कैप, मतलब रिप्लेसमेंट गारंटी दिया गया है। सो उसी के बैक साइड में आप आ जाइएगा तो नोकिया 110 डुअल सिम है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एस जी में। सो फ्रेंड्स, बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए बॉक्स के बारे में कुछ बात करें। बॉक्स को ओपन करने से पहले कुछ बॉक्स कॉन्टेंट जान लेते हैं। देख सकते हैं नोकिया 110 रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है। उससे कि अगर बैक साइड में अगर हम आ जाएंगे तो नोकिया 110 डुअल सिम, इसका कलर ब्लू पिंक एंड ब्लैक में आता है। सो उसी के इस साइड में अगर आप इस जगह आ जाइएगा तो कुछ फ़ोन का हाईलाइट के बारे में बताया गया है। म्यूज़िक MP3 म्यूज़िक प्लेयर, उसी के नीचे में FM रेडियो, हेडसेट रिक्वायर्ड, उसी के नीचे में कैमरा वीडियो कैमरा एंड QVGA, उसी के नीचे में अप टू 14 आवर्स 18.5 डेज टॉकिंग स्टैंड टाइम, उसी के नीचे में आप देख सकते हैं अप टू 7.5 आवर्स वीडियो प्लेबैक गेम्स 1.77 इंच, उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर डिस्प्ले, उसके बाद माइक्रो USB कनेक्टर, उसके बाद LED टॉर्च, माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड अप टू 32 GB स्लॉट स्प्रेटली की। उसी के नीचे में आप सकते हैं नोकिया एंड पूरे डिटेल्स इसके बारे में इस जगह दिया गया है। बॉक्स के इस साइड में कुछ नहीं है, नोकिया 110 डुअल सिम एंड इस साइड कुछ डिटेल्स दिया गया है, काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा गया। अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। सो इस साइड में अगर हम बात करें तो इस मोबाइल का जो MRP है वो 1949 रुपये, यानी 1950 रुपये इसका MRP दिया गया है। सो चलिए बॉक्स करते हैं सील कट एंड बॉक्स करके देखते हैं ओपन। सो देन इधर से हम सील करेंगे इसका ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोबाइल ब्लैक कलर में, तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। एक मिल जाता है हमें बैटरी और एक चार्जर और कुछ गाइडलाइंस, क्विक गाइड नोकिया 110। इसी के अंदर में इसका वारंटी कार्ड होगा आई थिंक। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो बॉक्स को सील कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और इधर रख देते हैं बॉक्स। सो देन बात करते हैं चार्जर का। तो देख सकते हैं चार्जर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते बट जो चार्जर है वो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं। सो देन बैटरी जो छोटा सा है बट कंपनी क्लेम करती है 18.5 डेज के लिए। देन ये हमारा कुछ मोबाइल फोन्स। कुछ इस प्रकार से हमारा मोबाइल फ़ोन है। सो चलिए इसमें बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं फर्स्ट। आप देख सकते हैं SIM 1 स्लॉट, SIM 2 स्लॉट, देन मेमोरी कार्ड इस जगह दिया गया है। सो चलिए डालते हैं बैटरी का, मोबाइल करते हैं ऑन। तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन होने में कुछ टाइम ले रहा है। सो देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन हो चुका है ऑन, नोकिया आ चुका है इसका। देख सकते हैं लैंग्वेज में ऑटोमेटिक, तो सेलेक्ट कर देना है हमें ऑटोमेटिक। उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट करके हमें ओके प्रेस करके डन कर देना है। देन क्लॉक एंड वो बाद में हम सेटिंग कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स ये हमारा मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, कलर डिज़ाइन एंड बाकी सब कुछ। तो आई होप आपको कुछ पिक्चर्स एंड फोटोज़ देखना चाहिए इसका। तो आई होप आपको पिक्चर्स एंड फोटोज़ काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स चलिए इसका बात कर लेते हैं मेनू का। तो मेनू में जब क्लिक करके गो क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाता है कॉल लॉक्स, देन उसके बगल में कॉन्टैक्ट, फोटोज़, रेडियो, मैसेजेस, म्यूजिक, क्लॉक, कैमरा एंड स्नैक गेम। जैसे कि इस साइड में देख सकते हैं एफएम रेडियो, मैसेजेस, म्यूजिक, कैमरा एंड ओवरऑल, उसके बाद क्लॉक, कैमरा, स्नैक गेम, वीडियोस, वॉइस रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटर। उसके बगल में कैलेंडर, टॉर्च, जो टॉर्च हम ऑन करके देखते हैं फर्स्ट कैसा है हमारा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सो चलिए टॉर्च करते हैं ऑफ। तो टॉर्च ऑफ करने के बाद देन अगर हम उसके बाद बात करें तो सेटिंग, उसके बाद फाइल मैनेजर, उसके बाद निंजा अप, उसके बाद डोडविल जंप, ये गेम हो गया, उसके बाद फुटबॉल कप एंड ईयर स्ट्राइक, ये गेम हो गया। सो फ्रेंड्स इसके अगर हम की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये फ़ोन जो की फीचर्स में आता है ये चार एम बी रैम एंड 4 MB रोम के साथ आता है, एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB तक का मेमोरी कार्ड इसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करें स्क्रीन के तो 4.5 सेंटीमीटर एंड 1.177 इंच का QVGA डिस्प्ले 1 MP रियल कैमरा के साथ आता है, ये 1 MP का कैमरा है। देन बात करें इसके बैटरी का तो इसका बैटरी 800 mAh का आता है एंड वारंटी की अगर बात करें तो ब्रांड वारंटी आपको 1 ईयर अवेलेबल हो जाएगा फॉर मोबाइल एंड जेनेरिक नेम मोबाइल फोन्स। एंड इसका अगर रेट का बात करें तो इसका जो MRP दिया गया है इस जगह आप देख सकते हैं 1950 रुपये दिया गया है, बट ये जो मोबाइल है अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो 1710 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा, मतलब 1710 के आसपास ये मोबाइल फ़ोन आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर लेते हैं तो 1710 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी रिटेलर शॉप से लेते हैं तो आपको 1650 के आसपास ये फ़ोन मिल जाएगा। और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हाथ में धरने में काफ़ी कंफर्टेबल है एंड डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन का रिव्यू दूँ तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।